जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये पैनल एसी का बोर्ड है जो पैनल की तरह ऐसे लग जाता है दीवार में। तो इसमें एसएमपीएस खराब हो गई थी, 3 टन का है ये इन्वर्टर। इसकी एसएमपीएस खराब हो गई थी तो हमने इसमें ये बनाकर लगाई है, ये वाला सर्किट। तो ये वाली आईसी इसमें लगी हुई थी साथियों, ये मिली नहीं। काफ़ी ढूंढा हमने मार्केट में, तो हमारी लोकल मार्केट में आसपास ये मिली नहीं, तो फिर हमने इसको बनाकर लगा दिया। एक बार ये ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं ऑन हो रही है फर्स्ट क्लास। तो आज दोस्तों हम इसका सर्किट एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप में से किसी भाई को ज़रूरत पड़ जाए इसकी तो आप बना सकें आसानी से। इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सॉल्व कर सकें। तो सर्किट हम एक हमने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें एसएमपीएस ट्रांसफार्मर टेस्टर प्लस इंडक्टर टेस्टर बनाना सिखाया था, तो उसका भी थोड़ा सा हम सर्किट एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत आसान सर्किट है, ऐसे बैठे बैठे हमने बना दिया था तो कितना आसान होगा सोचो। तो फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और इसका पूरा सर्किट डायग्राम हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हमने साथियों करंट सेंस के लिए शंट रेजिस्टेंस का भी यूज़ किया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगानी है। तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे और बिल्कुल सेफ चलेगा, शॉर्ट सर्किट होने पर भी ये ख़राब नहीं होगा। तो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, बनाकर दिखाया था इंडक्टर टेस्ट करने के लिए प्लस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 555 आईसी है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था कि 1 और 5 नंबर पिन आपस में कनेक्ट किए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको 8 और 4 नंबर पिन आपस में कनेक्ट करनी है, 8 ये 4। 4 नंबर पिन पर पॉजिटिव देना कंपलसरी होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं देंगे तो यह आउटपुट नहीं देगा, इसका आउटपुट ड्राइवर डिसेबल हो जाता है अगर हम इसको नेगेटिव कर दें तो। इसके बाद साथियों इसकी 2 नंबर और 6 नंबर बस आपस में मिला देनी है, तो ये हो गया सर्किट तैयार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 kPF लगाया, ये CT है तो टाइमिंग कैपेसिटर है ये, और ये हमने 1 kPF का लगाया। अगर आप 1 kPF का यहाँ पर टाइमिंग कैपेसिटर लगाते हैं और 2K की रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको 250 kHz ये IC जनरेट करके देगी। किलोहर्ट्ज को हम यूज़ करेंगे इंडक्टर या ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए एसएमपीएस का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने एक LED भी लगा दी है, ऐसे रेजिस्टेंस लगाकर 560 ओम की LED यहाँ पर लग गई है। तो ये LED ग्लो करेगी तब जब ये IC ऑसिलेशन करेगी। तो IC ऑसिलेशन कर रही है या नहीं कर रही है वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक LED लगाई थी। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ LED लगा देनी है। इसके बाद 3 नंबर पिन से ही 2 2K की रेजिस्टेंस लगा करके इसकी 3 नंबर पिन पर चली जाएगी, LM 358 की 3 नंबर पिन पर। और 555 की 3 नंबर पिन से ही 2 2K की रेजिस्टेंस लगाकर सीरीज में इसकी नेगेटिव पर चली जाएगी 2 नंबर पिन पर, LM 358 की। तो ये बस सिंपल सी इन रेजिस्टेंस की कनेक्टिविटी है। और यहाँ पर आपको ग्राउंड भी करनी है 2K की 2 रेजिस्टेंस। आप यहाँ 1K भी ले सकते हैं, 2K भी ले सकते हैं। तो ये 2K हमने लगाई थी और इस वाली पिन से भी ग्राउंड करनी है। ये हम बनाना भूल गए। तो ये 2 रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर लगानी है, 3 नंबर और 2 नंबर पिन दोनों ही 2K की रेजिस्टेंस लगाकर नेगेटिव के साथ भी कनेक्ट करनी है। तो अब ये बन गया सर्किट। इसके बाद इस IC को पावर दे देनी है बस। यहाँ से नेगेटिव लिया हमने, यहाँ दे दिया, इसकी 4 नंबर पिन नेगेटिव होती है। और यहाँ से हमने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव कहाँ गया, ये पॉजिटिव है हमारा, यहाँ से हमने पॉजिटिव लिया और इसकी 8 नंबर को पॉजिटिव दे दिया। तो सिंपल से कनेक्शन है। इसके बाद हमें जो प्रॉप बनानी है वो यहाँ कनेक्ट करनी है, जो हमारी 3 नंबर पिन पर 2K की रेजिस्टेंस जा रही है 3 नंबर से 3 नंबर पे, दोनों ICOs के 3-3 नंबर पर ही जा रही है। इधर भी 2K की रेजिस्टेंस है, इस तरफ भी 2K की रेजिस्टेंस है। बीच में से हमें प्रॉब निकालनी है और दूसरी हमें ग्राउंड के साथ जोड़ देनी है, बस इतना सा ही काम करना है, हो गया। और अगर आप इस टेस्टर की सेंसिटिविटी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये 2K की रेजिस्टेंस की जगह जो ये वाली 2K की रेजिस्टेंस है
ये वाली, तो इस 2K की रेजिस्टेंस की जगह RT है ये, आप प्रीसेट यूज कर सकते हैं। प्रीसेट को आप कम ज़्यादा करेंगे तो ये टेस्टर की रेंज कम ज़्यादा हो जाएगी। और ये वाली 2K की रेजिस्टेंस है, इसको भी आप कम ज़्यादा करके इसकी सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर क्लियर, ये वाला वो सर्किट है जो हमने बनाया है। और पीछे से भी देख लें, हमने इसका PCB का प्रिंट निकाल कर PCB बना दिया था। एक ये कैपेसिटर हमने एक्स्ट्रा लगाया है बाद में, और ये ऐसे ही लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। और बाकी इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन है अगर आप बनाएंगे तो। ये वाला सर्किट भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो हम इसको शुरू करते हैं इस वाली IC से। इस वाली IC में आप देख सकते हैं ये हमने लगाई है SG3525, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन IC है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 15 वोल्टेज देने होते हैं 15 नंबर पिन पर और 13 नंबर पिन पर। 15 नंबर पिन पर इस IC के चलने के लिए, और 13 नंबर पिन पर ये जो आउटपुट ड्राइवर इसके अंदर लगे हुए हैं, इस आउटपुट ड्राइवर को एक्टिवेट करने के लिए। तो दोनों ही पिन पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज देने होते हैं, 15 पर और 13 पर। इसके बदले में वोल्टेज रेफरेंस ये 5 वोल्ट निकालता है इसके इंटरनल रेगुलेटर से 16 नंबर पिन पर। तो 16 नंबर से 5 वोल्ट मिलेंगे, तो वहाँ हमने 10K की दो रेजिस्टेंस दे दी है। तो इसमें एक इंटरनल कंपेरेटर है, एरर एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं उसको। तो इसको हमने यूज किया करंट सेंसिंग के लिए, अगर ओवर करंट फ्लो करे, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये यहाँ से बंद हो जाएगी IC। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से ली और इसमें 5 वोल्ट से 10K की रेजिस्टेंस लगाई और एक नंबर पिन पर जोड़ दी, जो इन्वर्टिंग इनपुट है। यहाँ से एक नंबर से हमने सीधा यहाँ कनेक्ट करते हुए, सीधा शंट पर जोड़ दी, यानी कि जो हमारा लो साइड का IGBT या MOSFET होगा उसके अमीटर पर। यहाँ ग्राउंड नहीं देना है इसमें, यहाँ देना है, यहाँ पर नेगेटिव देना है। तो लोड जो है वो शंट रेजिस्टेंस से होता हुआ जाएगा, जितना भी लोड है वो इसको वोल्टेज में बदल कर यहाँ भेजती रहेगी। और ये इसका इंटरनल कंपेरेटर हमेशा कंपेयर करता रहेगा कि कहीं ज़्यादा लोड तो नहीं हो गया, अगर ज़्यादा लोड हो गया तो ये इसको बंद करने लग जाएगा। इसके बाद हमने एक और रेजिस्टेंस लगाई है 10K की। 10K की रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पर हमने ग्राउंड के साथ 2K की रेजिस्टेंस भी लगाई है, जिससे हमने वोल्टेज को डिवाइड किया है। वोल्टेज डिवाइड करके हमें यहाँ पर 0.83 वोल्टेज मिल जाते हैं। ये कंपेरेटर इस वाले वोल्टेज को कंपेयर करेगा इस पिन से, जैसे ही इस पिन में इसके बराबर या इससे ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो यह IC को बंद करने लग जाएगा। इसके बाद साथियों हमने CT लगाया है यहाँ पर 1 kPF, और 6 नंबर पिन पर लगता है RT। तो RT हमने लगाया है, 2K की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाई है, एक 20K का प्रीसेट यहाँ पर ऐड किया है, जिससे हम अपनी फ्रिक्वेंसी को थोड़ी वैरी कर सकें। तो अगर साथियों आप यहाँ पर 1 kPF लगाते हैं और यहाँ पर 2K की रेजिस्टेंस और सीरीज में एक प्रीसेट लगाते हैं, तो आपको 150 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 30 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी मिलेगी, जिसे आप सेट कर सकते हैं इस प्रीसेट को ट्यून करके। और ये 7 नंबर इसकी डिस्चार्जिंग पिन होती है, जिससे हम डेड टाइम सेट करते हैं। डेड टाइम का मतलब है जिस समय ना तो इस वाली पिन में पल्स होगी और ना ही इस वाली पिन में पल्स होगी, तो कितनी देर के लिए हमें पल्स नहीं चाहिए, उस टाइम को हम सिलेक्ट करते हैं इस डिस्चार्ज वाली रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर हमने 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। 8 नंबर पिन इसकी सॉफ्ट स्टार्ट पिन है, तो यहाँ पर हमने 5 MFT का कैपेसिटर लगाया है 50 वोल्ट में। तो यहाँ आप जितना ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे ये IC उतना स्लो स्टार्ट होगी, एकदम से झटके से नहीं स्टार्ट होगी, धीरे धीरे वोल्टेज बनाएगी। अगर आप यहाँ कैपेसिटर छोटा लगाएंगे तो जल्दी से बनाएगी, नहीं लगाएंगे तो तुरंत ऑन हो जाएगी। इसके बाद साथियों इसकी कंपनसेशन पिन है, इस पिन को हमने 9 नंबर, इस पिन को हमने यूज़ किया है वोल्टेज ओवर वोल्टेज होने पर, जो TL431 लगा होता है वहाँ से एक कपलर कनेक्ट होता है,
तो इसी कपलर में 3 नंबर को ग्राउंड कर देना है और 4 नंबर को कंपनसेशन से जोड़ देना है 9 नंबर पिन से। तो इससे क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होने लगेंगे तो यहाँ से ये बंद हो जाएगी। ये वाली जो पिन है ये इसी वाले कंपेरेटर से निकल कर आती है, इसी की आउटपुट है। कंपेरेटर में 3 पिनें होती हैं, 2 इनपुट 1 आउटपुट, तो आउटपुट यहाँ पर है इसकी। इसके बाद साथियों ये 10 नंबर पिन शट डाउन है, जिसको हमने यूज नहीं किया है, डिसेबल कर दिया है ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके। और साथ ही इसकी 12 नंबर पिन ग्राउंड होती है, 11 और 14 नंबर पिन इसकी आउटपुट होती है। जो भी ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगी वो इन दोनों पिनों पर 45% ड्यूटी साइकिल के हिसाब से डिलीवर करेगी। तो अब साथियों यहाँ आ जाते हैं, इस आईसी के कनेक्शन तो बिल्कुल ही आसान है। इसकी 10 नंबर और 12 नंबर पिन इनपुट है। यहाँ अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज देंगे 5 से लेकर 15 तक कोई भी, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगी, ये वाला आईजीबीटी या मॉसफेट जो भी है ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप 5 से लेकर 15 के बीच में कोई भी वोल्टेज देंगे तो इस वाले आईजीबीटी या मॉसफेट को ऑन कर देगी। तो बारी बारी से दोनों ऑन होते हैं। अगर यहाँ पर 0 वोल्ट आएगी तो यहाँ भी 0 रहेगा, अगर यहाँ पर 0 आएगी तो यहाँ 0 रहेगा। तो बारी बारी से ये दोनों आईजीबीटी हो या मॉसफेट हो स्विचिंग करेंगे। ये लो साइड वाला आईजीबीटी या मॉसफेट तो सीधा कनेक्ट हो जाता है ग्राउंड के साथ, आप देख सकते हैं। और यह वाला जो हाई साइड जो 320 वोल्ट पर काम करता है, ये बेचारा ऐसे हवा में लटका रहता है क्योंकि इसको ग्राउंड मिलता नहीं है। यह फ्लोटिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होता रहता है। तो यहाँ से नेगेटिव, जब ये वाला आईजीबीटी ऑन होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगी वोल्टेज, और नेगेटिव वोल्टेज से ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव इसको मिल रहे हैं यहाँ से, जो 15 वोल्ट आ रही है आप देख सकते हैं, 15 वोल्ट आ रही है। तो 15 वोल्ट डायोड से यहाँ पर जाएगी, 15 वोल्ट तो इसको मिल रही है लेकिन नेगेटिव तो नहीं मिल रहा है। तो नेगेटिव या तो लोड के थ्रू आएगा या फिर ये जो आईजीबीटी ऑन होगा इसके थ्रू जब ये कनेक्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ही इस आईजीबीटी को ऑपरेट कर पाएगा। इस कैपेसिटर को बूस्ट ट्रैप कैपेसिटर बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी तरह से सर्किट समझ में आया होगा, और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। जरूरत पड़ने पर आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं या अपने पास बनाकर भी इस सर्किट को रख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।